My goodness, just look at the height of the building. दोस्तों, अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हो तो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा आपके दिमाग में आता है? ऑफ कोर्स गाइस, ताजमहल, am I right? सो अगर आप मलेशिया कोलालमपुर के बारे में सोच रहे हो तो कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके दिमाग में पहले आता है? यस गाइस, आई नो दैट द ट्विन पेट्रोनस टावर इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ मलेशिया. यस गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ ट्विन पेट्रोनस टावर इन कोलालमपुर आपको दिखाने के लिए द हाउ बिग इट इज़. ये कोलालमपुर का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अट्रैक्शन है. पूरा दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए द पेट्रोनस ट्विन टावर्स गाइस. सो आपको लेकर मैं भी जा रहा हूँ टू शो यू हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ द पेट्रोनस ट्विन टावर. सो चलिए गाइस, मैं टनल से जा रहा हूँ. ये शॉर्टकट है फ्रॉम माई होटल. बुखेट बिंटांग से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. इट्स स्मॉल डिस्टेंस. मैं 20-25 मिनट वॉक से ही मैं पहुँच गया हूँ. ऑलरेडी ये टनल क्रॉस करने से बाद ही मुझको मिल जाएगा पेट्रोनस टावर. सो देखते हैं व्हाट इज द सीन ऑफ पेट्रोनस टावर देयर. पेट्रोनस टावर जाने का ये टनल है. आप देख सकते हो हाउ डेकोरेटेड ये टनल है, कितना खूबसूरत है. आप चारों तरफ देख सकते हो, कितना बढ़िया लाइटिंग है, पोस्टर्स है और पोर्ट्रेट्स भी है. तो जो टूरिस्ट यहाँ पर पेट्रोनस टावर जा रहे हैं तो जाने से पहले यू विल फील दैट यू आर इन द इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन. हाँ जी दोस्तों, पेट्रोनस टावर जाने का ये जो टनल से मैं अभी वॉकिंग डिस्टेंस से है, 2-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर ये टनल का डेकोरेशन इतना बढ़िया है. ट्रस्ट मी, यू वोंट फील बोर्ड ओवर हियर. अब इधर उधर देखते देखते कब पहुंच जाओगे, यू वोंट अंडरस्टैंड द टाइमिंग. सो गाइज, मलेशिया मतलब कोलालमपुर, कोलालमपुर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब एग्जैक्टली पेट्रोनस टावर. सो आपके लिए हाजिर है. देखिए गाइज, दिस इज द पेट्रोनस ट्विन टावर. माय गुडनेस, जस्ट लुक एट द height of the building. I have seen these two buildings only in television, only in movies, Bollywood and Hollywood movies. So first time in my life, I'm exploring the beauty of the Petronas Tower, guys. How fantastic it is! You can देख सकते हो, बहुत सारे tourists पूरे दुनिया भर से यहाँ पर आए हुए हैं and they are exploring the magic of the Petronas Tower. यहाँ पर सिर्फ Petronas Tower नहीं है, चारों तरफ आप देखिए, जिधर पे आप देखोगे, you will see plenty of outstanding buildings over here. ये जगह है एकदम सेंटर, ये जगह है एकदम शहर का बीचों बीच में और इस जगह को इतना डेकोरेशन, इतना हाइप मिला है पूरी दुनिया भर में. पूरी दुनिया से हज़ारों लोग, लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ दिस पेट्रोनस ट्विन टावर गाइस. दोस्तों, पेट्रोनस टावर के बारे में एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज़, अभी तो ये जो बिल्डिंग है दुनिया का नंबर 1 हाइस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग तो नहीं है, बट एक टाइम में फ्रॉम 1998 टू 2004 पेट्रोनस टावर वाज वर्ल्ड्स हाइस्ट एंड टॉपेस्ट बिल्डिंग. तो इसके लिए पेट्रोनस टावर पूरी दुनिया भर में बहुत ही फेमस हो चुका था. इसीलिए पूरी दुनिया से जो भी लोग मलेशिया घूमने आते हैं, दे डोंट फॉरगेट टू कम टू सी पेट्रोनस टावर गाइस. सामने है ये पूरा एक फाउंटेन का मेला। यहाँ पर शाम के वक्त सूरज डूब जाने के बाद होता है एक बहुत ही कलरफुल वाटर शो। ये वाटर शो देखने के लिए आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इधर पे आए हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा खचाखच भरा हुआ भीड़ है। और एक मज़े के बात बताऊँ, ये कुछ देर पहले 5-10 मिनट पहले ये जो पूरा फाउंटेन ये बंद था, तो यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे, पर अचानक फाउंटेन शुरू हो गया एंड सम ऑफ देम वेयर कम्प्लीटली वेट फॉर दिस। अभी मुझको जाना है पेट्रोनस टावर का अंदर। अंदर का सीन कैसा होता है वो भी आपको दिखाना है। लेट अस गो इनसाइड। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो गाइज, एक लाइक तो कर दीजिए फॉर पेट्रोनस टावर, बिकॉज आपको इतना दूर से आकर दिखा रहा हूँ द ब्यूटी ऑफ कोला लंपुर, द ब्यूटी ऑफ मलेशिया, द ब्यूटी ऑफ पेट्रोनस टावर। पेट्रोनस टावर के ठीक सामने आप देख सकते हो देयर इज़ एंट्री ओवर हियर। टावर में चढ़ने के लिए शायद एक्स्ट्रा टिकट लगता है, बट अंदर जाने के लिए पैसा नहीं लगता है, सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पेट्रोनस टावर के अंदर हम लोग चलते हैं। यस वी आर हियर। ये पेट्रोनस टावर का पूरा अंदर का सीन देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। दिस इज़ द इनसाइड सीन ऑफ पेट्रोनस टावर। यहाँ पर सामने तो फॉर्मूला 1 का कार भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज़ द हैंगिंग फॉर्मूला 1 कार ओवर हियर। अभी टावर के जो गेट है, मीन्स ऊपर जाने का गेट, वहाँ का सामने चलते हैं, देखते हैं वहाँ का सीन कैसा है, टिकट का एंट्री कितना है। बट जो अंदर का खूबसूरती, बाहर में जितना लुक्स डिफरेंट, अंदर भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। तो अभी में हम लोग जा रहे हैं पेट्रोनस टावर के नीचे डाउन स्टेयर, बिकॉज टिकट काउंटर नीचे ही है। आप देख सकते हो स्टेयर केस से नीचे जाना पड़ रहा है। एंड ऑल दिस टूरिस्ट ये लोग यहाँ पर आते हैं। पेट्रोनस टावर एक एक्चुअली एक सेंटर है जहाँ पर आप बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस भी मिल जाएगा, बहुत सारे आप जिम सेंटर मिल जाएगा, सब कुछ यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। दिस इज़ द पेट्रोनस टावर गाइज, सो ब्यूटिफुल, so nice and the magical place it is। पेट्रोनस टावर का ये फिटनेस सेंटर है, पीछे देख सकते हो। दिस इज़ द जिम ऑफ पेट्रोनस टावर। टिकट काउंटर टू अस, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टिकट काउंटर? वी डू हैव टिकट्स बट इट इज फॉर 8:30 PM entrance time, 8:30 morning, and now can I to 9 8:30 PM. Yes. Okay, now it is closed. No, we don't have tickets, only for tonight. Oh. They're okay. You're not going up at 6 hour, you're going up at 8:30 PM. Okay. Okay, there is a ticket counter. Okay, 8:30 बजे से ऊपर जाने का परमिशन है। चलिए देखते हैं खेल टावर का इनसाइड स्टोरी। यहाँ पर एक डेमो खेल टावर है, आप ये डेमो खेल टावर देख लो। ये दिस इज़ द डेमो खेल टावर, सॉरी पेट्रोनस टावर। तो यहाँ पर टिकट काउंटर खुला हुआ है एंड दिस इज़ द टिकट काउंटर, ओवर हियर। चलिए पूछ लेते हैं टिकट का प्राइस कितना है। आप देख सकते हो नॉट अलोन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग इन द लाइन। ये लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाएंगे, देखेंगे ब्यूटी ऑफ द पेट्रोनस टावर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मीन्स पेट्रोनस टावर का जो कंस्ट्रक्शन का जो हिस्ट्री है, पेट्रोनस टावर का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो 1994 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। हिस्ट्री ऑफ पेट्रोनस टावर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेट्रोनस टावर, आर्किटेक्चर ऑफ द टावर, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाकर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर रुक सकते हो। ये टीवी चल रहा है, देख सकते हैं, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी इंटरनेट में ऑल द इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पर बैठने की जगह है, थोड़ा सा बैठ भी जाता हूँ बिकॉज यहाँ पर लाइन बहुत है, 4-5-6 लोग भी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बैठ कर लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। सो गाइज होप सो पेट्रोनस टावर का ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अभी भी देख रहे हो एक लाइक तो जल्दी से कर दीजिए एंड देखते हैं उधर का टिकट काउंटर का सीन कैसा है। सो दोस्तों पेट्रोनेस टावर से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि अभी जो शो टाइम है मीन्स ऊपर जाने का जो टाइम है दैट इज़ अराउंड 8:30। 8:30 बजे ऊपर जाकर नीचे का व्यू इतना कुछ खास नहीं दिखेगा, इसलिए आई हैव क्विट माई दिस प्लान। सो पेट्रोनेस टावर से यहीं तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।